जो पंजाब में जो सिचुएशन है बिल्कुल स्टेबल है। ऑनरेबल सीएम साहब जिनके जैसे खुद आप आज पंजाबियों से बात की, पूरी स्थिति पे वो खुद नजर रखे हुए हैं इस पूरी स्थिति पे और लगातार फीडबैक ले रहे हैं ऑफिसर से पूरे पंजाब में क्या सिचुएशन है और पूरी तरह से हर तरफ पूरी तरह शांति है। आज सीएम साहब ने जैसे बताया उनको बहुत सारी पंजाब के बाहर से बहुत सारी कॉल्स आई जिनमें लोगों ने उनको धन्यवाद किया क्योंकि सारे लोग इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो बैड एलिमेंट्स के खिलाफ पूरा ये ऑपरेशन हुआ है उसमें सारे बहुत खुश हैं और पंजाब के जो लोग हैं और पूरे इंडिया के जो लोग हैं उनको सीएम साहब ने भी धन्यवाद किया है क्योंकि सबसे बहुत कोऑपरेशन मिली इस पूरे ऑपरेशन में और बाकी एजेंसी से बाकी स्टेट से भी हमें फुल कोऑपरेशन मिल रहा है इस केस में और पुलिस इसमें बिल्कुल कानून के अनुसार काम कर रही है। बहुत सारे लोगों को आशंका है लेकिन अभी तक जो प्राइम अक्यूज्ड है वो अभी इस केस में अरेस्ट नहीं हुआ है। जैसे ही वो अरेस्ट होगा तुरंत इसकी जानकारी जो है दी जाएगी। नहीं, वो ब्रेजा कार में ही थे जो मैं वही उसी पे आ रहा हूँ मैं। जो अभी तक हमने जो इसमें एक तो FIR नंबर 28 दर्ज की है 20 मार्च को जिसमें जो सरपंच है मनप्रीत सिंह उसकी स्टेटमेंट पे FIR दर्ज की है कि दो लोग जो एक हरजीत सिंह और हरप्रीत सिंह उसने ये एलिगेशन लगाए कि इन्होंने गन पॉइंट पे उसको रखा था और उसके बाद ये लोग जो है पुलिस ने अरेस्ट किए इस केस में। दूसरा गन पॉइंट पे सरपंच जो मनप्रीत सिंह है जो उसको रखा था उसके रेजिडेंस पे रखा क्यों गया था सर? कि जबरदस्ती के हमें शेल्टर दिया जाए उसके रेजिडेंस पे क्योंकि इनको शेल्टर देने के लिए कोई तैयार नहीं था तो उनके उसके एलिगेशन है कि इन्होंने जबरदस्ती गन पॉइंट पे मुझे रखा हुआ था। सरपंच मनप्रीत सिंह है और जो अक्यूज्ड है दो, एक हरजीत सिंह है एक हरप्रीत सिंह है, दो अक्यूज्ड है इसमें। दूसरा जो अहम इसमें जो सुराग लगा है कि चार अक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं जिनसे एक ब्रेजा कार जो है बरामद हुई है। ये मनप्रीत सिंह एलियस मन्ना, गुरदीप सिंह एलियस दीपा, हरप्रीत सिंह एलियस हैप्पी और गुरपेज सिंह एलियस पेजा। ये चार वो अक्यूज्ड हैं जिन्होंने उसको एस्केप करने में मदद की। ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज की जब ये चारों ने और अमृतपाल ने मिलकर जब वहां से दौड़े हैं। जो दूसरा अहम सुराग इसमें है कि उसके बाद ये गुरुद्वारा साहब है, नंगल अंबिया विलेज का गुरुद्वारा साहब, वहां पे गए, वहां पे कपड़े चेंज किए, पेंट और शर्ट डाली उसने अमृतपाल ने। उसके बाद दो मोटरसाइकिल्स पे चार लोग जो थे दो मोटरसाइकिल्स पे एस्केप किए हैं वहां से। तो इस केस में एक तो मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि इसकी अरेस्ट में और बाकी जो बैड एलिमेंट्स है उनकी अरेस्ट में पंजाब पुलिस को आपके सहयोग की जरूरत है। दूसरा, क्योंकि जैसे ही कोई अक्यूज्ड किसी केस में वांटेड होता है तो उसके हम बहुत सारी पिक्चर जो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं वो पिक्चर्स हम रिलीज करते हैं। तो अमृतपाल की बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो अलग अलग अटायर में है, अलग अलग तरह की पिक्चर्स हैं वो हम लोग अभी रिलीज कर रहे हैं। वो पिक्चर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्प्ले की जाए ताकि लोग इसको अरेस्ट करवाने में हमारी मदद कर सके इस केस में। नहीं, ये कार हमने जो मनप्रीत मन्ना है इनसे हमने रिकवर की है क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन ये इसके रेजिडेंस से हमने किया है जो नवा किला है क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज एस्टेब्लिश हो गई थी कि वहां से ब्रेजा गाड़ी यूज हुई है। फर्दर आगे भी जैसे मैंने कहा कि हमने ये भी एस्टेब्लिश कर लिया कि वो गाड़ी में बैठ के ये गुरुद्वारा साहब तक गए हैं, वहां से चेंज करने के बाद फिर दो मोटरसाइकिल्स में एस्केप किया इन्होंने। तो ये पूरी जो लड़ी है हमारी वो आपस में कनेक्ट हो रही है। ये पुरानी फोटोग्राफ्स हैं जो हमने कहीं से, जैसे हमें जिस तरह के देश में फोटोग्राफ मिली है वो हम रिलीज कर रहे हैं। वो हम नहीं कह सकते क्योंकि जब तक अरेस्ट नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते कि वो किस तरह के अटायर में किस तरह के वेश में होगा। बट लोगों की जानकारी के लिए उनके पास हर तरह की फोटोग्राफ होनी जरूरी है। जेडी ब्रेजा गड्डी है ओहदे बारे च असीं हुण अगे फर्दर तफ्तीश कर रहे हैं। ब्रेजा गड्डी जेडी मिली है मनप्रीत सिंह मन्ना दे कोलों मिली है
और जेड़े चारों बंदे असीं फड़े इन्हां दी पुछगिछ तों ही इह गल आई है कि ब्रेजा दे विच बैठ के फिर इह गुरुद्वारा साहिब नंगल लंबियां उत्थे गए, उत्थे चार बंदे सीगे, इहदे च तीन बंदे होर आ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਕੇਪ ਕੀਤੇ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਬਾਈਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਭੀ ਮੈਂ ਵਹੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਉਹ ਹਮ ਅਭੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ ਹੀ ਇਨਕੋ ਹਮਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਆ ਹੈ, ਇਨਸੇ ਹਮੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਲੋਕ ਵਹਾਂ ਪੇ ਗਏ ਥੇ, वहां से फिर चेंज करके आगे गए। बाकी इन्वेस्टिगेशन कौन से बाइक पे कौन लेके आया, परिवार वाले कस्टडी में है क्या कहना सर आपका, कि क्या कस्टडी में है? देखो मैं इसको बहुत पहले हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि अमृतपाल आज तक पुलिस की कस्टडी में नहीं है। पुलिस बिल्कुल 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 लॉ के मुताबिक काम कर रही है। जैसे ही अरेस्ट होगा तुरंत हम बताएंगे, बिकॉज हम भी हम इससे ज्यादा हम एक एक करके कर ले। सर मैं पूछ सकता हूँ सर, फंडिंग के बारे में कुछ पता चला सर, की फंडिंग के ऊपर एक आपने जो गुरुद्वारा से गिरफ्तार किया सर? देखो हमें जैसे मैंने कहा कि सारी सेंट्रल एजेंसी से हमें बिल्कुल बहुत कोऑपरेशन मिल रही है। एक स्पेसिफिक एजेंसी क्या कर रही है वो मैं नहीं बता पाऊंगा इस जगह पे, लेकिन एनआईए की कितनी टीमें सर यहाँ पे हैं? नहीं देखो ये सारा ये जड़िया चीजा है ना कि वेल प्लान सी जा जा कपड़े नाल लेके आए सी, ये चीजा अजे वेरीफाई होन गया 33 दे विच, क्योंकि क्योंकि एक एक करके पूछो जी सर क्या सर। हाँ जी, ब्रीजा गाड़ी अभी हमारी कस्टडी में है, पुलिस स्टेशन शाहकोट है, वहाँ पे हमारी जिला जलंधर रूरल में। क्या अमृतपाल ह्यूमन बम बनाने के भी विचार कर रहे हैं? ऐसा कोई अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। मैं कह रहा जी वो पार्ट चेक कर रहे हैं। देखो अजे अज उन्होंने सुबह अरेस्ट किया चारा नू, उन्होंने जो दसिया प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन दे विच वो मैं तुहानू दसता, जिहड़ी अगे मोटरसाइकिल किथे गए किदां गए की उहदी ट्रेल की आ वो पार्ट अजे सारा असीं चेक कर रहे हैं। तो वो टाइम टू टाइम जिस तरह कल नहीं अज सुबह तो उन्होंने अरेस्ट किया। हाँ नहीं नहीं वो सारा अजे कर रहे हैं जी, वो इवन रिलीज जब आएगा। नहीं अजे तक नहीं हुई जी कोई, अजे तक कोई देखो ये जिहड़ी कॉल हुंदी है ना जी NSA दे विच एक प्रोविजन है, उहदे विच प्रोविजन है सैक्शन 5 दे विच कि जिहड़े बंदे तो भी थ्रैट आ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट नूं जां पब्लिक ऑर्डर नूं उहनूं किसी दूसरी स्टेट दे विच रख्या जा सकदा वा। सो उहदे लई सिर्फ एक जरूरी हुंदा कि उस सैकेंड जिहड़ी स्टेट आ उहदी कंसेंट जरूरी हुंदी आ। सो हुण तक जिन्ने NSA दे विच 5 बंदे अरैसट कीते आ उहनां नूं डिब्रूगढ़ भेजा गया वा, 1-to-1 बेसिस दे उत्ते कॉल लई जांदी आ। इहदे विच इक ब्लैंकेट गल नहीं मैं कर सकदा, ज्यों ज्यों अरैसट होएगी त्यों त्यों कॉल लई जाएगी किन्नूं कित्थे रखणा।